Morning children, today we learn unit 6 lesson 2. What is the name of lesson 2? Kalilox and the three bears. Kalilox एक लड़की है और bears आपको मालूम ही है भालू. Open it page number 96. Once there was a girl with curly hair. एक समय की बात है, एक लड़की होती है ऐसी जिसका नाम है कर्ली लॉक्स और उसके जो बाल होते हैं वो कर्ली होते हैं. कर्ली का अर्थ है घुंघराले. देखो यहाँ पे आप देख सकते हो. वंस देयर वाज अ गर्ल विद कर्ली हेयर, हर नेम वाज कर्ली लॉक्स. एक समय की बात है, एक लड़की होती है जिसके बाल घुंघराले होते हैं, उसका नाम है कर्ली लॉक्स. वन डे सी वेंट इन टू द फॉरेस्ट नियर हर हाउस. एक दिन वह उसके घर के पास, एक फॉरेस्ट होता है जंगल, वहां जाती है. सी सॉ अ कॉटेज और उसे एक कुटिया दिखाई देती है जंगल में. इज एनीबडी इन, सी आस्क्ड. अंदर कोई है ऐसा वो पूछती है. देयर वाज नोबडी, तो वहाँ पे कोई नहीं होता है. द बियर्स फैमिली लिव्ड इन द कॉटेज, तो जो कॉटेज था, कुटिया थी, उसमें जो भालू है होते हैं उसकी फैमिली रहती थी, लेकिन वो सब बाहर गए हुए थे. दे हैड गॉन फॉर अ वॉक, तो वो जब तीनों थे वो सुबह सुबह वॉक के लिए बाहर गए हुए थे. कर्ली लॉक्स वेंट इन, तो जो कर्ली लॉक्स जो लड़की होती है वो अंदर चली गई कुटिया के अंदर. सी वॉन्टेड टू सी हु लिव्ड देयर, वो जानना चाहती थी कि कुटिया के अंदर कौन रहता है, इसीलिए वो अंदर गई. सी सॉ थ्री बॉल्स ऑफ पॉरिज ऑन द टेबल, तो वो देखती है तीन छोटे से तीन कटोरे टेबल पे, जिसमें क्या होता है पॉरिज. पॉरिज का अर्थ होता है दलिया या खिचड़ी, तो उसके ऊपर रखे हुए थे. देयर वॉज अ बिग बाउल फॉर पापा बियर्स, अ मिडिल साइज बाउल फॉर मामा बियर्स एंड अ टीनी लिटिल बाउल फॉर बेबी बियर्स. तो जो टेबल होता है उस पर थ्री बाउल्स रखे हुए होते हैं, उसमें दलिया होता है खाने का, तो उसमें एक जो बड़ा सा कटोरा था उसमें जो पापा भालू है उसके लिए था, और जो मिडिल साइज था वो मम्मा भालू के लिए था, और जो छोटा सा था वो छोटे बेबी भालू के लिए था. कर्ली लॉक्स वॉज हंग्री, सी एट द पॉरिज फ्रॉम द बिग बाउल. तो जो कर्ली लॉक्स जो लड़की होती है वो बहुत ही भूखी थी, तो उसने क्या किया, जो बड़ा कटोरा था ना पापा बियर का, उसमें से थोड़ा खाया. इट वॉज वेरी हॉट, तो वो बहुत ही गर्म था. सी एट फ्रॉम द मिडिल साइज बाउल, फिर उसने जो मिडिल साइज बाउल था मम्मा बियर का उसमें से थोड़ा खाया. इट वॉज टू कोल्ड, तो वो बहुत ही ठंडा था. सी एट फ्रॉम द टीनी लिटिल बाउल, इट वॉज जस्ट राइट, फिर उसने जो टीनी छोटे बेबी भालू का जो बाउल था, कटोरा था, उसमें से खाया, वो ठीक था, ना गर्म था और ना ही ठंडा था, वो मीडियम था. कर्ली लॉक्स एट अप ऑल द पॉरिज, देन सी वेंट टू द बेडरूम. तो जो कर्ली लॉक्स थी, उसने जो छोटा भालू का बेबी था उसका जो कटोरा था बाउल, उसमें से सारा दलिया खा लिया और फिर वह सोने के लिए बेडरूम को चली गई. देयर वॉज ए बिग बेड फॉर पापा बियर, तो वहाँ पे उसने क्या देखा, जो बड़ा सा बेड था वो पापा बियर का था, अ मिडिल साइज बेड फॉर मम्मा बियर एंड टीनी लिटिल बेड फॉर बेबी बियर. तो उसने जो बड़ा बेड था वो पापा बियर का था, और जो मिडिल साइज था वो मम्मा बियर का था, और जो लिटिल बेड था छोटा वो छोटे बेबी बियर का था. द बिग बेड वॉज वेरी, टर्न पेज नंबर 98. बिग बेड वॉज वेरी हार्ड, तो जो सबसे बड़ा बेड था वो बहुत ही सख्त था, कठोर था. द मिडिल साइज बेड वॉज टू सॉफ्ट, और जो मिडिल साइज का बेड था वो बहुत ही सॉफ्ट था, नरम था. बट द टीनी लिटिल बेड वॉज जस्ट राइट, लेकिन जो छोटे बेबी बियर का जो बेड था वो बहुत ही वो राइट था उसके लिए. कर्ली लॉक्स फेल अस्लीप इन द टीनी लिटिल बेड, तो जो कर्ली लॉक्स जो लड़की थी वो जो बेबी बियर का जो बेड था उस पर जाके सो गई. द बियर फैमिली केम बैक, तो जो भालू की फैमिली होती है वो वापस घर के अंदर आती है. समबडी एट माय पॉरिज शाउटेड पापा बियर इन हीज बिग ग्रफ वॉइस, तो जब वो बियर की फैमिली घर के अंदर आती है तो जो पापा बियर होता है वो जोर से शाउट करता है कि मेरा जो दलिया था वो किसी ने खा लिया. समबडी एट माई पॉरिज टू सेड मम्मा बियर, फिर जो मम्मा बियर होती है वो बोलती है कि किसी ने मेरा भी दलिया खा लिया है. Somebody finish all my porridge, said baby bear in his teeny little voice. और जो छोटा baby
बियर होता है, उसने बोला कि किसी ने मेरा पूरा दलिया खा लिया है। वो छोटी आवाज़ में बोलता है क्योंकि वो बहुत छोटा होता है, तो उसकी वॉइस भी क्यूटी होती है, स्लो होती है, तो उसने ऐसा बोला। द बियर फैमिली वेंट टू द बेडरूम, और फिर उसके बाद जो भालू की फैमिली होती है वो बेडरूम के अंदर जाती है। समबडी स्लेप्ट इन माई बेड, शाउटेड पापा बियर इन हीज बिग ग्रफ वॉइस। फिर जब वो रूम के अंदर जाते हैं तो जो पापा बियर होता है वो जोर से आवाज़ में बात करता है और शाउट करता है कि कोई मेरे बेड पे सोया था। Somebody slept in my bed too, said Mama Bear. फिर जो Mama Bear होती है वो बोलती है कि कोई मेरे बेड पे भी सोया था। Somebody is sleeping in my bed, said Baby Bear in his teeny little voice. उसके बाद जो little bears हैं उसने bear है उसने बोला छोटी सी आवाज़ में कि कोई अब भी मेरे बेड पे सो रहा है। Kallilocks woke up, she saw the three bears. जो कलीलॉक्स होती है वो ये सब होता है ना, उसकी आवाज़ से जग जाती है, और जगती है तो उसे क्या दिखाई देता है, तीन भालू दिखाई देते हैं। सी जंप डाउन एंड रन आउट ऑफ द कॉटेज एज फास्ट एज सी कुड। फिर जब वो तीन भालुओं को देखती है तो वो वहाँ से उठ के भाग जाती है, जितना उससे भागा जाता है उतना वो जल्दी से भाग के अपने घर चली जाती हैं। तो ये एक स्टोरी थी, कलीलॉक्स एंड द थ्री बियर्स। एक लड़की होती है, उसके घुंघराले बाल होते हैं और इसीलिए उसका नाम होता है कलीलॉक्स। एक दिन वो घर के पास में जंगल में जाती है, वहाँ पे एक कुटिया देखती है और वहाँ अंदर जा वो पूछती है कि कोई है अंदर, लेकिन किसी की आवाज़ नहीं आती, इसलिए वो अंदर जाती है। अंदर जाके देखती है तो टेबल पे खाना रखा होता है, पोरिज रखी होती है पापा बियर, मम्मा बियर का और बेबी बियर का। तो फिर उसमें से वो जो सबसे बड़ा बाउल होता है उसमें से खाती है, वो बहुत गर्म होता है। फिर मिडिल साइज जो मम्मा का होता है उसमें से खाती है तो वो बहुत ठंडा होता है। फिर जो बेबी बियर है उसके अंदर से खाती है, वो नरम, वो मतलब राइट होता है, न गर्म होता है न ठंडा होता है। फिर वो पूरा खा जाती है, फिर उसके अंदर उसके बाद वो बेडरूम में जाती है। फिर वहाँ पर तीन बेड होते हैं, एक पापा बियर का होता है, एक मम्मा बियर का और एक लिटिल बेबी बियर का होता है। उसमें से जो बड़ा होता है वो बहुत ही कठोर होता है, फिर जो मिडिल साइज़ का होता है मम्मा बियर का वो सॉफ्ट होता है, फिर जो बच्चे का होता है बेड वो बहुत ही वो राइट होता है, ना बड़ा है ना छोटा है ना हार्ड है ना सॉफ्ट है। तो फिर उसमें जाके उस पर ऊपर जाके सो जाती है। फिर ये जो फालू की फैमिली है वो वापस आती है, फिर अपना खाना देखती है तो किसी ने खा लिया है। फिर बेडरूम में जाते हैं, वहाँ पे भी बोलते हैं कि कोई मेरे बेड पे सोया था। ऐसे ही मम्मा बियर भी बोलती है कि कोई मेरे बेड पे भी सोया था। फिर जो छोटा बेबी बियर है वो बोलता है कि कोई अब भी मेरे बेड पे सो रहा है। फिर जो कलीलॉक्स है वो जग जाती है, और जब जगती है तो इन सब को देखती है और उसे डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। यही थी स्टोरी। कैसी लगी आपको स्टोरी, अच्छी लगी ना? अब क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं हम। Open at page number 95 in workbook. Kallilocks went to a desk near her house. जो कलीलॉक्स थी वो घर के पास कहाँ गई थी? A forest, zoo, cottage या lake? क्या वो जंगल में गई थी या चिड़ियाघर में गई थी या कुटिया में गई थी या lake में गई थी? Forest, वो जंगल में गई थी। Answer is A. Kallilocks went to a forest near her house. वो कलीलॉक्स जो थी जंगल में गई थी जो उसके घर के पास में था। देयर वॉज डेस इन द कॉटेज, कॉटेज में कोई था, कुटिया में कोई था? एनीबडी, समबडी, एवरीबडी, नोबडी, तो कोई भी नहीं था। आंसर इज डी। नेक्स्ट, द डेस लिव्ड इन द कॉटेज, जो कॉटेज थी कुटिया में उसमें कौन रहता था? फॉक्स फैमिली, फॉक्स की लोमड़ी की फैमिली रहती थी, मंकी फैमिली या बंदर की फैमिली रहती थी, बियर फैमिली भालू की फैमिली रहती थी, या डी जिराफ फैमिली, जिराफ की फैमिली रहती थी। तो आपने पढ़ाया ना किसकी फैमिली रहती थी? अ बियर फैमिली, भालू की फैमिली उसके अंदर रहती थी। आंसर इज सी। टर्न द पेज, पेज नंबर 96। कलीलॉक्स सॉ डैश बाउल ऑफ पॉरिज ऑन द टेबल। कलीलॉक्स ने कितने बाउल्स देखे थे टेबल पे? 1, 2, 3 या 4? कितने देखे थे? 3। एक पापा बेयर का था, एक मम्मा बेयर का था और एक टीनी लिटिल बेबी बेयर का था। तो आंसर इज सी, 3। द बिग बाउल वाज फॉर डैश, जो बड़ा बाउल था वो किसके लिए था? बेबी बेयर के लिए था, पापा बेयर के लिए था, मम्मा बेयर के लिए था या कलीलॉक्स के लिए था? तो पापा बेयर के लिए था क्योंकि वो सबसे बड़े थे इसलिए। द पॉरिज इन द बिग बाउल वाज, जो सबसे बड़े कटोरे में जो दलिया रखा था वो कैसा था? लेस था, कम था, मोर ज़्यादा था, हॉट गर्म था या कोल्ड था? तो वो बहुत ही गर्म था। आंसर इज सी, हॉट। द पॉरिज इन द मिडिल साइज बाउल वाज, जो मिडिल साइज बाउल था उसका जो पॉरिज था दलिया वो कैसा था? ठंडा था या गर्म था? आपको मालूम है ना मम्मा बेयर का था तो वो कोल्ड था, सो कोल्ड। लेस, मोर, हॉट या कोल्ड?
तो आंसर इज डी, कोल्ड, ठंडा था. द पॉरिज इन द डैश बाउल वॉज जस्ट राइट. तो कौन से बाउल में था जो दलिया एकदम राइट था, ना ठंडा था ना गर्म था? आंसर टीनी, बीक, मिडिल या कर्ली. टीनी जो छोटा था ना उसमें. द मिडिल साइज बेड वॉज फॉर डैश. जो मिडिल साइज बेड था वो किसका था? बेबी बियर का था, पापा बियर का था, ममा बियर का था या कर्ली लॉक्स का था? वो किसका था? मीडियम साइज ममा बियर का. द बिग बेड वॉज वेरी. जो बिग बेड था वो कैसा था? हॉट, हार्ड, कोल्ड या सॉफ्ट? वेरी हार्ड था ना. आंसर इज बी. द मिडिल साइज बेड वॉज टू. जो मिडिल साइज बेड था ममा बियर का वो कैसा था? हॉट था, गर्म था, हार्ड सख्त था, कोल्ड ठंडा था या सॉफ्ट था? आंसर इज डी, सॉफ्ट. नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स. आपको ब्लैंक्स को फिल करना है. कर्ली लॉक्स हेड डैश हेयर. कर्ली लॉक्स थी, उसके हेयर कैसे थे? कर्ली थे, कर्ली हेयर. द पॉरिज इज बिग बाउल वॉज वेरी. जो बिग बाउल था उसका पॉरिज कैसा था? गर्म था ना. आंसर इज हॉट. द पॉरिज इन द मिडिल साइज बाउल वॉज टू. जो मिडिल साइज बाउल था उसका पॉरिज कैसा था? कोल्ड, ठंडा था. द पॉरिज इन द टीनी लिटिल बाउल वॉज जस्ट. जो छोटे बेबी का, बेबी बेयर का जो पॉरिज था वो कैसा था? जस्ट राइट था. द बिग बेड वॉज वेरी. जो बिग बेड था वो कैसा था? वेरी हार्ड था, हार्ड, एच आर डी, हार्ड. द मिडिल साइज बेड वॉज टू. जो मिडिल बेड था वो कैसा था? सॉफ्ट था, एस ओ एफ टी, सॉफ्ट. कर्ली लॉक्स स्लेप्ट इन द डैश लिटिल बेड. जो कर्ली लॉक्स थी वो कहाँ सोई हुई थी? टीनी लिटिल बेड पे, टी आई एन वाई, टीनी. द डैश बेड वॉज वेरी हार्ड. तो जो कौन सा बेड था जो बहुत ही हार्ड था? बिग, स्मॉल या मिडिल साइज? बिग. कर्ली लॉक्स वॉज डैश सो सी एट द पॉरिज. कर्ली लॉक्स कैसी थी इसलिए उसने सब पॉरिज खा ली थी. क्यों खा ली थी? बिकॉज सी वॉज हंग्री. बहुत भूखी थी, हंग्री थी, इसलिए उसने पूरा दलिया खा लिया. यहाँ पे क्वेश्चन आंसर है पेज नंबर 97 पे. हु लिव इन द कॉटेज. कॉटेज में कौन रहता था? द बियर फैमिली लिव्ड इन द कॉटेज. उस कुटिया में भालू की फैमिली रहती थी. हाउ वॉज द पॉरिज फ्रॉम द बिग बाउल. जो बड़ा सा बाउल था उसकी जो पॉरिज थी वो कैसी थी? वेरी हॉट. आंसर, आंसर इज वेरी हॉट. हाउ वॉज द पॉरिज फ्रॉम द मिडिल साइज बाउल. जो मिडिल साइज बाउल था उसकी पॉरिज थी वो कैसी थी? आंसर इज टू कोल्ड, बहुत ठंडी थी. फ्रॉम विच बाउल डिड कर्ली लॉक्स एट द पॉरिज. कौन से बाउल में से कर्ली लॉक्स ने पूरी पॉरिज खा ली? तो आंसर है टीनी लिटिल बाउल. हाउ वॉज द बिग बेड. जो बड़ा बेड था वो कैसा था? वेरी हार्ड, बहुत ही सख्त था. हाउ वॉज द मिडिल साइज बेड. मिडिल साइज बेड था वो कैसा था? टू सॉफ्ट, बहुत ही नरम था. इन विच बेड डिड कर्ली लॉक्स स्लीप. कौन से बेड पे कर्ली लॉक्स सो गई थी? टीनी लिटिल बेड, छोटे से लिटिल बेड पे वो सो गई थी. थैंक यू.